हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक्सेस की बेस्ट कॉम्बो एंड ट्रिप्स एंड ट्रिक्स। तो ये भी मैं इसमें ट्रक्स मेटल में करने वाला हूँ और वीडियो एंड तक देखना क्योंकि मैं आपको काफ़ी अच्छे अच्छे टिप्स देने वाला हूँ जो एक्सेस के लिए उसके लिए सबसे सोलो कुछ कर सकते हैं ईजिली। तो हम मैच शुरू करते हैं। तो जहाँ मैंने वापस अपने काफ़ी अच्छे अपोनेंट स्नोरक्स को ले लिया जिसकी ऑलमोस्ट हाइएस्ट एच पी है और मैं एच पी रिकवर की नहीं एच पी नॉर्मल एच पी की बात कर रहा हूँ जो बिना हील के होती है। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि ना इस बार थोड़े मैच को इंटरेस्टिंग बनाया जाए तो मैं इसलिए दोनों को 15 लगा करूँगा, अपने को भी और स्नोरलैक्स को भी, ताकि हम दोनों मिलके बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉम्बोनेशन कर सकें। और इसीलिए आप यहाँ भी देख बस आप कॉम्बो लेने सीक्रेट स्वॉर्ड एंड वाइस कार्ड और मैं यहाँ पे अपना यूनाइट भी खोल लेता हूँ एक बार क्योंकि ऑफकोर्स स्नोरलैक्स का भी आ गया होगा यूनाइट। स्नोरलैक्स आता है उनको कूदता है पर मैं वाइस गार्ड से उसके अटैक से बच जाऊँगा, उसे अटैक दो नहीं के तो जी मैं उसका एक लेवल और बढ़ा देता हूँ। हाँ देखिए, अब वो अभी 15 है, मैं भी 15 हूँ। अब देखना मैं उससे स्टन दूंगा, उसने भी बैरियर उसके मैंने भी। अब बस आप ये देखिए बड़ा प्यारा संभालू उसे, वापस डिफेंस में स्टन नहीं पड़ा, दोबारा करूँगा अब इसको मारने दूंगा। देखा टीपी हो गया, अब मैं बेसिक अटैक मारूंगा और इसको मैं लॉक करूंगा और ख़त्म। वो भी 15 का था, मैं भी 15 का था और मैंने उसे मार दिया। अब चलिए ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ इसकी मेल्टिंग स्पीड। तो मैं यहाँ पे एक ज़ैप्डोस समन करता हूँ ताकि आप लोग ध्यान से देख सकें कि इसकी मेल्टिंग स्पीड कितनी तेज़ है। और मेरे यहाँ मूव्स पे कूल डाउन लगा था तो मैं देखिए बस सब डैमेज देख रहे हैं इसका कितनी जल्दी होता है। बस देखिए बस एच पी देखिए ज़ैप्डोस मुझे एक एच पी नहीं ले पाई और मैंने उसे वन शॉट कर दिया। हाँ एब्सोल्यूट वन शॉट नहीं कर पाया पर बहुत कम सेकंड में कर दिया। अब मैं आपको ड्रेडनो मेल्ट करके दिखाऊंगा, पर उससे पहले जरा मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे आप डोज भी कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपको दीवार पार करनी है ये वाली, तो कुछ नहीं करना आप ऐसे भी जा सकते हैं इजीली। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी मेल्टिंग स्पीड ऑफ ड्रेडनो कि ड्रेडनो को सोलो मेल्ट 15 लेवल में कितनी जल्दी कर सकते हैं। देखा अब मैं इसके डोज इसके अर्थ को मैंने डोज कर दिया। अब देखा मैं इसके इसको करूँगा ऐसे बस। आप एचपी देखिए एचपी मैंने इसे बेसिक अटैक से इतनी जल्दी मार दिया। आप देख सकते हो ऊपर रूट ऑन लिया जा रहा है और मैं ऊपर जा नहीं दूंगा अब, और मैं अपने डिफेंस फॉर्म में आ जाता हूँ ताकि मेरा स्पेशल डिफेंस और स्पेशल अटैक बढ़ जाए, स्पेशल डिफेंस और अटैक बढ़ जाए। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं स्लो, अब देखना मैं इसको कैसे रोकता हूँ ईजी। अब एवी यूनिट मार लेता है तो मैं इसकी यूनिट खत्म नहीं करता हूँ, उसको अपनी उसकी यूनिट में मत मारा कीजिए। अब मैं बैरी लेता हूँ, मेरी एचपी लो हो रही थी। अब बस देखिए अभी डर जाता है इसका, मुझे क्यों पता नहीं क्यों डर गया सही मुझसे। और मैं इससे फॉर्म स्टील करता हूँ और अब मैं अपनी यूनाइट मारता हूँ इस पर। आप बस देखिए इसका हैवी स्लैम डॉच किया, ऐसे किया ऐसे 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 इसका ब्लॉक खत्म होने का इंतजार करता हूँ। मैं भी अपना आइस गार्ड ऑन करता हूँ और ये मुझे फिर डैमेज दे रहा था क्योंकि अब देखिए मेरा अटैक आया वाइस गार्ड में। ऐसे कभी ना मारे, बहुत ही गंदा डिसीजन है, वो आपको और ज़्यादा गंदा मारेगा और उसे वाइस गार्ड के अंदर मारेंगे। और मैं इसे बड़ी इजी मार देता हूँ। तो गाइस मैं यही वीडियो बनाने वाला था, तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि आप कैसे इजीली डॉच कर सकते। देखा उनको स्टन पड़ा, दोबारा स्टन पड़ा, वाइस गार्ड डैमेज ऐसे ऐसे। और मेरी हील देखिए, जितने अपोनेंट को मेरा ये कॉम्बो अटैक लगता है उनसे मुझे बहुत ज़्यादा हील मिलता है, इसीलिए आप ऐसे हील वालू कम। अब मेरी यूनिट देखिए, मैंने बस अभी दी थी ना अभी ऑलमोस्ट में। और आपको एक और टिप बताता हूँ, मान लीजिए अगर आप टीम में खेल रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बताना है आपकी यूनिट कितनी बिना उसके, तो आपको ये करना है। और देखिए यहाँ पे एक आइकॉन लिख के आएगा, हाँ देखिए मेरी मैंने और मेरे सच बोलर्स मेरी टीम में इसको जो भी अभी इस गेम में नहीं है कि मैं कितनी इजली मार रहा हूँ। देखा हैवी स्लैम देगा मुझे, इसलिए यूनिट दी, मैं यूनिट देता हूँ इस पर। अब देखना बस डैमेज देखना, इसको रोकता हूँ वाइस गार्ड स्टन खत्म। तो गाइस तो आपको ये वीडियो कैसे लिए मुझे कमेंट में बताना, अगर आप चाहते हैं मैं इसे मास्टर रैंक में करूँ तो भी मुझे बताना, मैं इसे फिर मास्टर रैंक में करूँगा। और इस लेवल में आपके लिए थोड़ा सा गोल आपको 100 के 100
लाइक्स, ओके 100 लाइक्स, और मैं इसको करूँगा मास्टर रैंक में, वो भी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे अमेजिंग पोकेमोन यूनाइट की कंटेंट्स के लिए मुझे बुलाना, मतलब मेरे मुझे सब्सक्राइब करना, ताकि और बेल का आइकन को ऑल पे करना, क्योंकि मैं जल्दी ऐसी कंटेंट डालता रहता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू लेटर, एंड मिलते हैं आपसे एक और पोकेमोन यूनाइट की ऐसी कमाल की वीडियो। और गाइस, ये है मेरा एजिलाश का बिल्ड, स्कूप लेंस, रिजक्लो एंड फॉक्स बैन। बैटल आइटम में आपको एक्सपीड यूज़ करना है, ये फुल किट बिल्ड है, और ये मैं अपने मास्टर में यूज़ करता हूँ। तो यही था एजिलाश का बिल्ड, आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। टिक टिक के लिए गुड बाय।